रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नाश्ता करके फारिग हुई हूँ। अभी मैं किचन साफ़ करी, मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शुरू हो गया है। अभी मैं ज़रा किचन साफ़ करके ऊपर से साफ़ कर लूँ, फिर वो अम्मा आएगी। ये मैं बार बार बताती हूँ, ये गंदगी नहीं है। ये जब इसको असम्बल कर रहे थे तो इसमें लोगों ने काली सीमेंट मिलाई। अब इसे इंशाल्लाह मैं इसको तोड़वा के, ज़रा गर्मी कम हो जाए तो फिर मैं दोबारा दूसरा काउंटर बनवाऊँगी। इतना बुरा लगता है लेकिन मजबूरी है, क्या करूँ। कोई मैं सोच रही हूँ कुछ शीट मंगवा के इसके ऊपर डाल के तब मैं इसको इस्तेमाल करूँ। लेकिन बहरहाल सफाई तो करनी होती है, ये सारे बस मैं अभी गीला करके करूँगी। ये सारा ऊपर से मैं साफ़ करूँ, बाकी अम्मा आएगी तो वो फिर सारा काम करेगी। और बर्तन सब समेट के मैंने बाहर भिजवा दिए हैं। मेरे एक जगह है बर्तन धोने की, जगह है बाहर हमारे घर के पीछे, छोटा सा सहन है तो उसमें बर्तन धोने की जगह भी है। और हमने चौकीदारों के लिए छोटा सा किचन भी बनाया है, तो हमारी रोटी वगैरह वहाँ पकती है और बर्तन वगैरह सारे छोटे मैं यहाँ धो लेती हूँ और बड़े बर्तन जो है ना मेरे वहाँ धुलते हैं। अभी लंच के लिए मैंने ये लोबिया रात को भिगोया था, लाल लोबिया है ये, मैंने भिगोया था और उससे सारा कलर उतर गया, वाइट हो गया है। पता नहीं मेरे साथ कराची में, मैं बचपन से हम लोग लोबिया इस्तेमाल करते हैं तो हमने बस एक ही वैरायटी लाल लोबिया छोटा या बड़ा देखा था। आजकल तो पिशावर सिटी में जब रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो वह मुख्तलिफ साइज़ में और मुख्तलिफ जायका भी उनका बदला होता है। बहरहाल मैंने ये लाल था, ये रात को मैंने भिगोया, अभी मैंने धोया तो उससे सारा कलर उतर गया है। पता नहीं अब ये कैसे पकेगा, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा लोबिया बना रही हूँ। अभी मैं बर्तन थोड़े से जो मैं कप वगैरह धोती हूँ वॉश करके और फिर मैं लंच के लिए बस ये उबाल के फिर इसको मैं पकाऊँगी। ये सुबह मैंने ऑमलेट बनाया था तो उससे प्याज टमाटर बचा है तो इसको मैं भी फ्रिज में रख रही हूँ डब्बे में डाल के। और ये मैं रात को डस्टर जो है ना, मैं सारा काम ख़त्म करके रात को और ये डस्टर जो है ना मैं भिगो के रखती हूँ सर्फ़ में और थोड़ा सा ब्लीच डाल लेती हूँ, तो फिर मैं अभी इसको धो के बाहर बिछा दूँगी। इतने डस्टर इस्तेमाल होते हैं किचन में और डस्टर चाहे उनका कलर उस पर जाहिर है वो चिकनाई वगैरह हम लोग साफ़ करते हैं तो काले काले हो जाते हैं, लेकिन धोएं तो उसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी मतलब ये करती हूँ, कभी पुराने कपड़े फाड़ के वो इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी मैं इसको धो लूँगी तो इसको मैं बाहर बिछा के सुखा लूँगी। और ये बस मैं अभी ये बर्तन जिसे मैंने साबुन लगा के रखा था कि मैं एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और एक हाथ से मैं काम करती हूँ। अगर किसी के पास ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं नया काम मैंने शुरू किया है तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, अगर किसी के पास ऐसा, मेरे पास स्टैंड वगैरह हैं लेकिन मुझे इसका सही तरीका नहीं आता तो मैं अपने एक हाथ यूज़ करती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ और एक हाथ में मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर किसी के पास ऐसी वीडियो बनाने की कोई वीडियो हो तो मुझे ज़रूर इस पे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। अब ये बर्तन धो के बस मैं अपने रूटीन का काम शुरू कर रही हूँ। मैं लाल लोबिया बना रही हूँ, विलेज स्टाइल में बना रही हूँ। मेरी काम वाली है, नहीं कहना चाहिए, मुझे कभी कभी वो होता है डर, अल्लाह ताला से डर लगता है लेकिन क्या करें, उसको हम खाला कहते हैं, तो मुझसे छोटी लेकिन चूंकि वो मेरी हम नाम है तो इसलिए मैं उसको खाला कहती हूँ। तो वो इस तरीके से बनाती है, इतने मज़े का बनता है वो। तकरीबन हम तो ये लाल लोबिया बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ क्या खाया जाए। इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज टमाटर ले लिए, थोड़ी सी हरी मिर्च लिए, दो बड़ी बड़ी मिर्चें हैं और ये एक पाव लोबिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है एक टेबल स्पून डालूँगी, धनिया है और ये पिसा हुआ धनिया है एक टेबल स्पून, एक टी स्पून हल्दी है और एक टीस्पून ही लाल मिर्ची, ये थोड़ी सी कम इसलिए मैंने डाली है कि मैं हरी मिर्च डालूंगी। अब मैंने प्याज सोते करने के लिए दो टेबलस्पून तेल में रखी हुई है, इसमें सारे मसाले मैं इकट्ठे डाल दूंगी, जैसे वो खाला बनाती है ना वैसे ही मैं बना रही हूँ। वो ऐसे ही बनाती है प्याज को, इस तरह से वो सोते करती है। एक टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है,
इसमें ये टमाटर हरी मिर्च डाल दूंगी, बिल्कुल मैं उसी तरीके से बना रही हूँ जैसे वो बनाती है। ये हल्दी, लाल मिर्च और धनिया डाल के टमाटर जब मैश हो जाएंगे तो उसमें मेरे लोबिया मैंने एक पाव उबाल के रखा हुआ है वो डाल दूंगी, और नमक हंसपे जायका मैं डालूंगी। भून लिया है अच्छी तरह से, थोड़ा सा जल रहा था मैंने पानी डाला है। अब ये जो लोबिया उबला हुआ है ये मैं डाल रही हूँ, और साथ में इसके मैं पुदीना डाल रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये इसमें लोबिया में ना अच्छा सा वो इसका फ्लेवर आ जाए मसालों का। और फिर मैं इसमें थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी रखूँ, क्योंकि हम लोग घर के जो नान होते हैं तंदूर के रोटी होती है उसके साथ सर्व करते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने नमक चख लिया, नमक थोड़ा सा कम है लेकिन जब ये पानी थोड़ा सूखेगा तो पूरा हो जाएगा। अब इसमें मैं गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, हमारे यहाँ काला ज़ीरा बहुत इस्तेमाल होता है, इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा काला ज़ीरा डालूंगी। अब ये जब तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। यह सालन तैयार हो गया है, आज ट्रेडिशनल खाना है पुराने ज़माने का। इसके साथ मेरी अम्मा जो है ना वो तंदूर पे घर के तंदूर पे रोटी लगाने गई है। इसके साथ मैंने पुदीना धनिया की और टमाटर की चटनी बनाई है, साथ में हरी मिर्च या लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं, मैंने हरी मिर्च डाली है। ये दही की और पुदीना धनिया और हरी मिर्च की चटनी है, साथ में मैंने लस्सी बनाई है और लोबिया है। आप भी ज़रूर बनाएं, गर्मियां हैं साथ में लस्सी ज़रूर पिया करें। लस्सी ज़्यादातर सुना था बड़ों से कि पतली लस्सी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो आप भी ज़रूर बनाएं ये सादा सादा खाने, आप ज़रूर बनाएं ये सादा सादा खाने, सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। ठीक है जी, ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स करो ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है जी, मेरे सीधे साधे खाने होते हैं जो डाइट के लिए वाले लोग जो डाइटिंग करते हैं करने वाले हैं या वो चाहते हैं डाइट करें तो मेरे खाने उनके लिए सूटेबल हैं। ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल जायका KPK कुकिंग को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करो ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।